तो दोस्त देखिए, आज हम छत्तीसगढ़ का जो ट्रिप था वो खाली कर कर आ गया, लेकिन घर जाने की भी मौका नहीं मिला क्योंकि गणेश भाई को छोड़ दिया, क्योंकि उसका काम है घर में, काम जाएगा फिर से तो लौट करने के चाहिए। देखिए बराबर बराबर बाईपास रोड है, ये भी भारत पेट्रोल पम्प, तो आ जाएगा। क्या लोड होगा देखिए, वहाँ पर फ़ोन किया था वहाँ से गद्दी से, तो क्या लोड होगा देखिए, उसके बाद दिखा रहे हम। तो दोस्त देखिए, मेरा आज मिर्चा लोड हो गया, तो ज़्यादा दूर नहीं है और ज़्यादा हड़बड़ की टाइम भी नहीं है, पूरा नॉर्मल टाइम है मेरा पास। तो देखिए मेरा आज माल का हाइट का लोड, तो दोस्त देखिए अब अभी निकल जा रहे, धीरे धीरे जा रहा है क्योंकि अकेला हो और टाइम भी अकेला, मतलब बहुत टाइम है इसलिए अकेला हो, और दोनों आदमी का काम भी नहीं, आराम से दड़ी बांधना है खुलना है, इसलिए अकेला जा रहा है। तो अभी चलेगा बोला वो गद्दीदार ने एक सप्ताह, तो देखिए कितना दिन चलेगा। और मिर्चा लोड में बहुत अच्छा भाड़ा भी लगाता है। तो गाइस देखिए, हम 2024 में बलरामपुर के पहली बार लोड लिया, तो हम बंगाल छोड़कर झारखंड में घुस रहे हो। देखिए ये बॉर्डर बंगाल और का झारखंड का, ये रोड है दूसरा तरफ, लेकिन इस तरफ जाएगा नहीं, हम फिर से बंगाल घुसेगा, लेकिन थोड़ा सा इस झारखंड मिलता है। तो दोस्त देखिए, अभी बांधन बाजार पार आ रहा है, तो ये बांधन बाजार भी बहुत भीड़ है क्योंकि पार्किंग गाड़ी बाइक का कोई सिस्टम नहीं है, इसलिए थोड़ा डर डर के चलता है यहाँ पर, और कहाँ से घुस जाएगा हम लोग, गाड़ी वाला बहुत फंसेगा। देखिए रोड में कैसे बात कर रहे हैं, ए बाजार क्या बोलेगा। यहाँ पर हॉस्पिटल भी है, थाना भी है, ये हॉस्पिटल है और इस सामने वाला जो देखा रहे ये थाना की गेट है। तो देखिए फिर से आप अभी झाड़ग्राम डिस्ट्रिक्ट घुसेगा। तो गाइस देखिए, बहुत दिन बाद ये बेलपाड़ी रोड में आया हम, तो कितना सुंदर लगेगा देखिए। ये तो अभी शुरुआत है गांव का, इसके बाद इतना सुंदर पहाड़ जंगल मिलेगा जो पूरा मन भर जाएगा यहाँ पर। तो चलिए दिखा रहे हैं हम, इस तरफ जगह आएगा तो पूरा मन भर जाएगा। तो देखिए कितना सुंदर जगह है, हम अकेला है इसलिए अच्छा से वीडियो करना नहीं पा रहे, तो जितना से अच्छा है करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। देखिए लाल जल गुहा, ये आप इतना बड़ा है क्योंकि कभी भी मेरा ये गाड़ी दो नंबर में गाड़ी छूटता है, लेकिन आज एक नंबर लग गया, मतलब हम वीडियो कर कर गाड़ी का मौसम फट गया था इसलिए मेरे को एक नंबर लगाना पड़ा। तो देखिए यहाँ से पहाड़ जंगल शुरू हुआ है, गाड़ी ऑटोमेटिक चलेगा, चलाने की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिक। देखिए अरे यार बहुत बड़ा लरी आ गया, मारी है मौत। इसके बाद और थोड़ा डाउन, लेकिन थोड़ा रिक्सी भी है, मेरे को सेफ से चलाना पड़ेगा। पूरा ढाले ढाल ऑटोमेटिक गाड़ी चलेगा, कोई भी एक्सेलेटर का काम नहीं है, आराम से बैठे स्टारिंग पकड़ कर रहो हाथ ब्रेक। अरे यार स्लो चलो स्लो। तो यहाँ पर हम नहा लिया क्योंकि बिनपुर घुसने से पहले बहुत बढ़िया है, देखिए हम लोग इसको पुकुर कहता है, तो आपको बढ़िया से नहा लिया, गाड़ी वाड़ी भी साफ कर लिया, इसके बाद धीरे धीरे चलते रहे। ए सेठ,
बस्ती है अभी, ये झाड़ग्राम का चौक है। तो झाड़ग्राम डिस्ट्रिक्ट नहीं था, ये 2 साल हुआ डिस्ट्रिक्ट बना। सिग्नल विग्नल सब कुछ चलता है यहाँ पर, पहले नहीं था। तो इंडिपेंडेंस डे कैसा सजाया था देखिए झाड़ग्राम पर, पूरा झाड़ग्राम सिटी। ओ सॉरी सॉरी, ये तो TMC पार्टी का फ्लैग है लगता है, मीटिंग कोई हुआ था। तो यार थोड़ा झाड़ग्राम पुलिस के चक्कर में मेरा लेट हो गया था, इसलिए देखिए हम थोड़ा ज़ोर से जाना पड़ रहा है, क्योंकि नहीं तो मंडी लेट हो जाएगा। इधर RTO भी है, क्या होगा बॉस। तो दोस्त अब पहुंच गया मेरा मंजिल का रास्ता। अभी थोड़ा दिमाग ठंडा हुआ, क्योंकि इतना टेंशन में था कि माटी होगा क्या नहीं। बस मंडी में खाली करके निकल गया अभी, देखिए 11:30 बज रहा है। सब कुछ जो मेरा भाई में 53 रस्सी था पूरा ठीक कर लिया, इसके बाद धीरे धीरे जाएगा होटल में खाना पीना खाएगा और थोड़ा रेस्ट लेगा और भोर भोर निकल जाएगा, फिर से लोडिंग पॉइंट में। तो चलिए देखिए रात में किधर किधर जा रहे हैं, और जिस जंगल रूट पे आया है वो रात में कैसा खतरा रहता है चलिए दिखा रहे हैं। तो देखिए दोस्त मेरा इंडियन किंग 2 मेरा गांव के पास का एक मेरा अंकल का काम था, थोड़ा डॉक्टर के पास जाना है, तो गणेश भैया ड्राइवर गया था, इसलिए दिखाया था जे गाड़ी ठीक ठाक पार्किंग मिला। वो देखिए वहां पर खड़ा है, उसको पार्किंग मिला। ये भी मारुति सुजुकी का रिच गाड़ी है, ये बहुत पुराना गाड़ी है 12 साल का, लेकिन पूरा कंडीशन हम ओके रख दिया, क्योंकि हम घूमते हुए इस गाड़ी में हम लोग, अरे कुछ 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 काम लगे तो किसी को देते हैं हम। तो दोस्त देखिए आज सेकंड ट्रिप आया, और जाएगा पासकुला, तो कितना सुंदर पार्किंग मिला पेड़ के सामने, मेरा गाड़ी भी अच्छा, मेरी सब्जी भी अच्छा रहेगा। और यहाँ पर एक नाला है, पानी बहुत अच्छा है यहाँ पर, हम लोग तो फ्रेश होता है, तो यहाँ पर आज नहाएगा प्रोग्राम लिया। तो देखिए पोजीशन कैसा है, तो यहाँ पर नहाएगा, तो चलिए दिखाइए क्या पानी है क्या सिस्टम। तो दोस्त यहीं पर नहाएगा हम, देखिए ये पुल है, यहीं के पास आराम से नहाएगा, पानी भी बहुत बढ़िया है। देखिए गाड़ी कितना सुंदर पार्किंग में लगा दिया। हम लोग ड्राइवर आदमी के सब सुविधा है, लेकिन कब क्या कुछ कहाँ मिलेगा किसी को पता नहीं। कभी 5-स्टार होटल भी मिलेगा, और कभी ऐसा जगह पर भी कम चलाना पड़ता है, सब कुछ मैनेजमेंट करके चलना पड़ता है। ओहो ये नहाने का प्लेस देखिए, पोल के ऊपर सब कुछ रख दिया, इसके बाद बहुत मज़ा आएगा यहाँ पर नहा कर, देखिए कैसे नहाएगा। हाँ तो देखिए नहाने नहाने इन लोग कहाँ से बॉल बम टीम आ गया इस पास का गांव से, तो मेरा भी काम हो गया, मैं निकल जाएगा। तो गाइस देखिए हम पूरा नहा लिया, पूरा कपड़ा में मेरा गाड़ी में आज 2 सेट कपड़ा नहीं है, क्योंकि घर घुसने का टाइम नहीं मिला, इसलिए देखिए कपड़ा को पूरा साफ कर लिया, अभी 2 गेट में सूखने दे दिया। और मेरा जो सेंडो गेंजी है बारह मुंडा था वो पहन कर अभी जा रहा है, क्योंकि अरे मंडी जाने के जाने सूख जाएगा, उसके फिर मैं पहन लूँगा, और कल घर का आने का चांस है तो उस दिन मैं कपड़ा ले लूँगा, जो जो कुछ भूल गया सब कुछ ले लूँगा।
तो देखिए दोस्त, इन लोग सब बाबा की, शिव बाबा की यहाँ पर पानी डालने जा रहा है। और यहाँ पर बेलपहाड़ी जो जगह है, यहाँ पर डीजे कंपटीशन होता है। इसका अगला साल हम आया था क्योंकि यहाँ पर वो हम लोग का झारखंड का डीजे सर्जन है, था उसको देखने के लिए, क्योंकि वो बहुत बढ़िया डीजे सेटअप है। तो इस साल भी वो उत्तराखंड गया और भी फास्ट हुआ, और इसलिए हम लोग उसका बहुत बड़ा फ्रेंड हो। तो देखिए यहाँ पर भी होगा, तो इस साल लगता है ज़्यादा सेट नहीं, इसलिए ज़्यादा आदमी नहीं है। तो इसका अगला साल ब्राइडूब में दिया हुआ है जो बेलपहाड़ी डीजे कंपटीशन, तो उस दिन कितराज नहीं है, छोटा मोटा सेट है, इसलिए लोकल का आदमी बाहर के कोई आया नहीं। इसका अगला साल बहुत गाड़ी आया था। तो रोड में एक काका का होटल मिला, यहाँ पर हम खाना खाएगा क्योंकि बहुत लेट हो गया, 3-4 बज गए, इसीलिए सफाई सुथरा देखा था, खाना खाया। चाचा को पूछा से खाना है, बोला है तो देखिए जा रहे हैं अंदर बैठने के लिए, खाना खाने के लिए। ये लोधा सुली, यहाँ पर हम लोग हर दिन रुकता था इस चाय स्टॉल में, लेकिन अभी बंद है। लेकिन उसके बाद भी थोड़ा रेस्ट ले रहे, उसके बाद यहाँ से निकल जाएगा। देखिए फोर लाइन, उधर से मुंबई रोड से गाड़ी आ रहा है और उधर कलकत्ता रोड जा रहा है, ये रास्ता जो जा रहा है। रास्ता तो मिल गया है, मंजिल को ढूंढ लूंगा मैं, कत्ल हो के अपने आदिल को ढूंढ लूंगा। रास्ता तो मिल गया है, मंजिल को ढूंढ लूंगा मैं, कत्ल हो के अपने आदिल को ढूंढ लूंगा। रास्ता तो मिल गया है, मंजिल को ढूंढ। बस देखिए कलकत्ता जा रहे हैं, कपड़ा गाड़ी मुंबई से आ रहा है, क्योंकि हम जिस टाइम काम करता था मुंबई गाड़ी में, ऐसे ऐसे गाड़ियाँ देखा था। अब मेरा उस्ताद ने बोल दिया ये सब गाड़ी में कपड़ा रहता है, इसलिए मेरे को पता चला इस कपड़ा गाड़ी है। तो देखिए हम मंडी पहुंच गए, पूरा तरपन वरपन खोल दिया, अकेला है इसलिए ऊपर में बैठना खड़ा हो। तो ये देखिए बेंगलोर वाला गाड़ी, इसमें टमाटो है, तो अभी घुस गया, तो बड़ा गाड़ी थोड़ा दिक्कत हो रहा है, तो मेरा खाली हो जाएगा, हम निकल जाएगा, तो उसके बाद वो आराम से खाली करेगा अंदर तरफ। तो आराम से खाली हो रहा है क्योंकि तो खाली बहुत माल है मोटा, थोड़ा इधर बारिश हुआ इसलिए थोड़ा मेरा खाली होने के लिए लेट हुआ, तो अभी कोई टेंशन नहीं है। पूरा हाई स्पीड है, पासपूरा मंडी पर जो भी लेबर वेबर है सब बहुत शिक्षित है, मोटा लिखा पड़ा है, क्योंकि हम लोग इसको देखा है कि दूसरे जगह से तरह नहीं रहे इन लोग, अपना जगह कि दूसरे बड़ा बड़ा मंडी में बिहार का आदमी रहता है, लेकिन यहाँ पर यहाँ लोकल मतलब उड़ीसा के बहुत पढ़ा लिखने वाला। तो देखिए मेरा छोटा गाड़ी फिर से टाटा नगर गया था, तो इसमें थोड़ा विनोद भाई को ड्राइवर गया था, इसलिए उसके बोला कैसा मौसम है उधर देखिए, तो उसने मेरे को वीडियो भेजा, पूरा उधर बारिश मारिश कुछ नहीं है, पूरा ओके है। इधर से एंट्री पॉइंट है टाटा स्टेशन का, तो गाइस गुड नाइट नहीं, मेरा अभी चलते रहे रनिंग नाइट, अभी 11:30 बज रहे, अभी फर्स्ट क्लास से हम खाली किया, फिर पर रस्सी ठीक से रख दिया, इसके बाद चल जाएगा। तो आज सीधा वो जिधर हम चलते झाड़ग्राम होकर नहीं जाएगा, फिर दूसरे रास्ते घर तरफ जाएगा, क्योंकि घर में थोड़ा काम है, उसके बाद सुबह जाएगा बलरामपुर। तो चलिए किधर किधर जा रहे हम देखा रहे, हम लोग का जो ड्राइवर भाई को पता नहीं, उसको पता चलेगा ये रास्ता। तो देखिए हम वो जो रास्ते बोला था उस रास्ते में नहीं गया, क्योंकि आज लेट हो गया, इसलिए हमको जिस रास्ते सफर किया था वहीं पर आना पड़ा, क्योंकि आज भी लोड हो गया। तो देखिए अभी पहुंच गया सारंगा के आसपास।
मेरा गाड़ी में सिग्नल दे दिया तेल का, तो तेल कहाँ पर लेना पड़ेगा, नहीं तो और फिर झमेला होगा। यहाँ पर नायरा पंप पर तेल ले लिया, ये हम लोग कातिरामपुर के पास है, तो आज थोड़ा ज़्यादा डाल लिया क्योंकि थोड़ा घुमाना रास्ता हुआ इसीलिए। तो यहाँ पर पंप का तेल क्वालिटी भी अच्छा है। देखिए मेरा पापा आ गया कपड़ा ला देने के, क्योंकि तो गाइस देखिए आज सुबह सुबह हम तीसरा नंबर ट्रिप में जा रहे हैं बलरामपुर, तो आज के डबल ड्राइवर की काम आया, मतलब पहले दिन से काम था लेकिन इन लोग काम में बिजी था मानसा पूजा पर, इसलिए आज फ्री हुआ। तो देखिए डबल हो गया, देखिए सब ओडिशा गाड़ी आ रहा है मिट्टी लेकर, सब दुर्गापुर तरफ जाएगा, ये रूट दुर्गा हाँ है दुर्गापुर ही जाएगा। तो देखिए आज तीसरा दिन फिर से लोड करने आ गया, तो इसका अगला दिन थोड़ा बारिश में डिस्टर्ब दिया था अंदर में पानी जाने के लिए, इसलिए आज तिरपोल पूरा पट्टा बांध लिया हम लोग तीन चार आदमी लेकर। तो अभी निकल जाएगा यहाँ से बलरामपुर से, देखिए आज भी बस खुला जाएगा। तो आज मेरे साथ आदित्य है, दोनों एक साथ जाएगा। तो दोस्त देखिए तीसरा ट्रिप फिर से बलरामपुर से निकल गया, आज हम अकेला नहीं है, साथ में आदित्य है, इसलिए बहुत मज़ा आ रहा है क्योंकि दो दिन अकेला चला पूरा मूड ठीक नहीं था, लेकिन आज दो आदमी है। देखिए आज रोड में कैसा कैसा जगह दिखाएगा और कहाँ कैसे जाते हैं, चलिए दिखा रहे हैं। तो देखिए ये मेरा लंबू भैया के गाड़ी के साथ पसंदा का झारखंड पड़ता है, तो देखिए इसका गाड़ी ऐसा है, मेरा से पहला गाड़ी, तो गाड़ी भी बहुत अच्छा रखा है लंबू भैया, मेरे से बहुत पुराना ड्राइवर है, सीनियर है, लेकिन थोड़ा हड़बड़ा वाला आदमी है, बोल जाता है बहुत कुछ। तो देखिए इन लोग का डाला हम लोग के से बहुत फर्क है, इसीलिए इन लोग का थोड़ा मार्केट में कुछ कुछ टाइम ज़्यादा चलता है, हम लोग उस टाइम लोकल चलाते हैं। तो दोस्त देखिए पांगान से बेलपाड़ी जाने से सबसे ज़्यादा खतरा रास्ता है क्योंकि पूरा डाउन से गाड़ी आएगी उधर से, तो यहाँ पर अनकंट्रोल होता है। देखिए यहाँ पर दो गो एक्सीडेंट भी हुआ हम देखा टमाटर सीजन में, तो इसलिए बोल रहा इस जगह जाएगा पूरा डाउन नीचे जाएगा, उसके बाद थोड़ा स्पीड देना, नहीं तो गाड़ी यहाँ पर कंट्रोल नहीं होता है क्योंकि जिस गियर में रहेगा वही रखना है, गाड़ी कंट्रोल रहेगा मतलब जिसको जैसे कंट्रोल रखना है, मतलब वहाँ पर कोई स्पीडबाजी नहीं दिखाना है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। देखिए काल के जगह में आज भी ना आएगा, तो ये मेरा देखिए बहुत अच्छा कितना सुंदर पैर का नीचे छावा है, यहाँ पर पार्किंग करेगा और ये बड़ा पानी में नहाएगा, बहुत मज़ा आएगा। थोड़ा चक्का ठीक है ना, देख तो दोस्त ये पेड़ का नीचे गाड़ी के रखा कि अच्छा काम है, ये पेड़ का नीचे हम लोग का सब्जी लोड है, वो भी ख़राब नहीं होगा, टायर वायर थोड़ा गर्म हुआ क्योंकि धूप में अभी गाड़ी चल रहा है पिच में, इसीलिए टायर भी थोड़ा ठंडा होगा, रिंग विंग और हम लोग भी थोड़ा बिंदास होगा क्योंकि गाड़ी वाड़ी में तो ऐसी नहीं है ना हम लोग का, इसीलिए अरे वाला पानी जे वाला चलने वाला पानी में नहाना अच्छा लगता है, नदी का और अच्छा है, लेकिन ये रोड में नदी नहीं मिलता है, ये पुलिया मिलता है, तो अभी नया पानी है, अभी नहाएगा। देखिए कल भी नहाया था हम यहाँ पर, कल अकेला था, आदित्य है साथ में। तो देखिए आदित्य, हमने सोचा था ये नहाएगा लेकिन नहीं, ये बोला सुबह 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 6 बजे नहा लिया, इसलिए आज थोड़ा गाड़ी को साफ करेगा, ठीक है हम लोग का गाड़ी भी अच्छा दिखाएगा, और थोड़ा अंदर में शैम्पू मारने को बोला क्योंकि अंदर में थोड़ा शैम्पू मारेगा तो सैंड अच्छा होगा, सफाई भी दिखाएगा। बहुत शर्माने वाला लड़का है, देखिए आ रहा है कैमरा तरफ देखेगा नहीं, सिर्फ हंसेगा।
तो दोस्त देखिए, हम पूरा आराम से नहा लिया क्योंकि आदित्य पहले नहाया था सुबह पर, इसलिए वो नहीं नहाया। तो दोस्त यहाँ पर आज पूरा नहा लिया, लेकिन इसके बाद थोड़ा ऊपर में रस्सी चेक करना है क्योंकि आदित्य का हाथ में थोड़ा लगा हुआ है, इसलिए मेरे को ऊपर चढ़ना पड़ा कि उसका फिर से लग जाएगा, तो इसलिए चेक कर लिया। पूरा ठीक है क्योंकि अभी बारिश का दिन है, थोड़ा बड़ा डिस्टर्ब होगा तो बहुत फंस जाएगा, बॉडी का नुकसान हो जाएगा। मना कर रहे हैं इसको, ये रहने दो, अभी मेरा पैसा नहीं है अच्छा लगाने के लिए, नहीं मुझे बुरा चीज रहने ही नहीं दूंगा, पूरा खत्म हो गया। अभी तो जल रहा था ना इसको। नहीं यार, तो ठीक है, इसका अच्छा पैसा तो जब अच्छा लगाने पड़ेगा उस दिन लगाएंगे, अभी मेरा गाड़ी नॉर्मल हो गया। तो दोस्त बारिश देखी है, लोहा से लेके खड़गपुर रोड में हम लोग जा रहे हैं, इतना बारिश हो रहा है तो हम लोग तो ट्रिपल दिया हुआ है, लेकिन माल मिर्चा है, टेंशन नहीं, कुछ बारिश लगेगी आज ही माल बिक जाएगा, तो उसके बाद आप पाम ढूंढ रहे हैं, कहीं भी साइड वाला पाम मिलेगा घुसा दूंगा और ठीक से देखेंगे कि ट्रिपल के अंदर पानी जा रहा है क्या, नहीं तो पूरा माल नुकसान है। यही सबसे बड़ा रिस्क है, पानी का नुकसान हो जाएगा तो बहुत बड़ा झमेला हो जाएगा, तो भैया जहाँ पर पाम मिलेगा तो बहुत अच्छा, तो आस पास पाम है तो थोड़ा जाना पड़ेगा, ठीक है। देखिए हम अभी खड़गपुर चौरंगी घुस रहे हैं, बाएं तरफ देखिए, नहीं अभी तक आया नहीं कोई, लगता है नहीं अभी पहुंचा नहीं कोई, तो चौरंगी घुस रहा है, देखिए चौरंगी पूरा सिग्नल अलर्ट जगह है, यहाँ पर सिग्नल फेल करेंगे तो बहुत फाइन मार देता है चौरंगी पर, इसलिए यहाँ पर सिग्नल देख कर जाना पड़ेगा, क्योंकि चेन्नई मुंबई का यहाँ से रोड क्रॉसिंग होता है इधर दुर्गापुर तरफ। तो दोस्त गुड मॉर्निंग, देखिए हम लोग एकदम भोर भोर सुबह सुबह पहुँच गए यहाँ पर, गाड़ी यहाँ पर पार्क किया तो बहुत साइड में, अभी टर्निंग है थोड़ा डेंजरस, लेकिन यहाँ पर हम लोग को ब्रश करने का अच्छी जगह मिला क्योंकि अभी बारिश हो रहा है, इसलिए बहुत पानी है, इसलिए यहाँ पर फ्रेश होकर ब्रश कर लूँगा, लेकिन नीचे जाने का रास्ता नहीं, गाड़ी में पानी है उसमें मुँह धो लूँगा हम। लेकिन सुबह सुबह ये सुबह का हवा लगता है शरीर में, इसका मज़ा ही अलग है, जिन जिन आदमी के सुबह सुबह उसका आदत है उन लोग को पता है जो सुबह पर कैसा मज़ा आता है। तो दोस्त देखिए, सुबह सुबह हम बलरामपुर घुस रहे हैं, अभी थोड़ा 1-2 किलोमीटर बाकी है, तो लेकिन ये बस लोकली बस है, लगता है ज़्यादा दूर नहीं, मान बाजार से बलरामपुर ने कहा चले तो ऐसा चला रहे कि पकड़ा गया, कोई भी बम्बर एक तो पकड़ा नहीं, देखिए इसके बाद क्या कर रहे हैं, देखिए इसको चला रहे हैं, लेट हुआ क्या हुआ, बस का नाम भी क्या है देखना पड़ेगा, बस तो लगता है 15 साल का पुराना, लेकिन चल रहा है 2 साल का यंग मैन की तरह।
देखो देखो बम्पर कैसे टपके दम हमने अरे चार नंबर टिप में घुस रहा है बलरामपुर मंडी। मेरा बहन गए थे सुबह सुबह सभी किसान लोग सब्जी लेकर आ गया लोकल गाड़ी। इसके बाद हम लोग का आरोप था चंटू भैया ने सब खरीद लगा रामपुर लोड दे देगा। सब ने मेरा गाड़ी में कितना लोडेड है पहुंच गया दूसरे पर नहीं बस। तो देखिए आज का मिर्चा का क्वालिटी अभी पैकेटिंग शुरू नहीं हुआ तो होगा यदि मूलो है बैगन है तो यहाँ पर देखिए बलरामपुर गाड़ी की यहाँ पर गाड़ी है इन लोग अपना अपना बलरामपुर का गाड़ी है इन लोग चलाता है यहाँ से। तो गाइस देखिए आगे एक जा रहे है क्या गाड़ी पता नहीं पूरा आचार है चाचक का पूरा फुल स्पीड में देखिए मतलब पकड़ने कोशिश कर रहा हूँ। तो देखिए मेरा इतना रॉकेट ट्रिप नहीं है लेकिन उसका देखकर मेरा थोड़ा जोश बढ़ गया। मेरा अभी थोड़ा तेल जमने दो लेकिन उसके उतना भेड़ होगा कहाँ का गाड़ी अभी तो पता चलेगा। तमिल वाला गाड़ी हटो 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 चेन्नई का गाड़ी है तो बस इसको पकड़ने नहीं पाया हम क्योंकि कान को पकड़ना मुश्किल है इतना भगा रहे हैं क्योंकि मेरा 80 लिमिटेड पार हो जा रहे हैं लेकिन उसको पकड़ने नहीं पा रहे क्योंकि इसका ऐसा स्पीड पकड़ना है लगता है कलकत्ता का माल है क्योंकि इसको पास थोड़ा पकड़ना तो उसको पूछता है कहाँ का माल है लेकिन मेरा नॉर्मल वाटी है बेकार तेल चल रहा है इसलिए मेरा इंटरेस्ट नहीं लग रहा है। ठीक है नहीं रोड में और गाड़ी आएगा दिखा रहे हो कैसा कैसा रॉकेट चलता है। तो दोस्त देखिए आदित्य अभी शीशा साफ कर रहा है बहुत बढ़िया से साफ करने आता है इसको। तो देखिए वीडियो करने के बाद इसका मूड ऑफ हो गया। थोड़ा पानी मिला लेकिन कुछ हुआ नहीं हम लोग चेक कर लिया पूरा हम लोग का मिर्चा पूरा ठीक है। तो अंधार है देखा जो चांस है इसलिए अभी आदित्य का गाड़ी चला रहा है हम थोड़ा सोएगा क्योंकि नहीं तो कार गाड़ी चलाना थोड़ा मुश्किल होगा।